गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन सर। वेरी गुड, ऑल द गुड सर। व्हाई? माइंड नहीं चल रहा है। नो दिस उसके नहीं आए हैं अभी तो, वो पूरा कंप्लीट ही कुआं पूरा भी कंप्लीट ही नहीं हुआ है वो। अच्छा, जो संडे के होता है आपका वीकली टेस्ट? यस सर। आ जाएगा, आ जाएगा, जस्ट कीप पेशेंस। फिलहाल अभी क्या फोकस करते हैं, पौन घंटा सिविक्स पे, ठीक है? चलिए थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए ताकि चीजें कंप्लीट कर लें। ओके, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा हुआ था प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख चुके हैं, ठीक है? अब उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब ये बताइए, कुछ वर्ड मैं लिख रहा हूँ, उसके नाम बताइए कौन कौन लोग जानते हैं इसको। इससे पहले ना इसके नाम कभी सुना है इसको? वेरी गुड, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे आप लोग, है ना? ठीक है, जितना जानते हैं आज उसके प्लस होगा, आप लोग कुछ ना कुछ इसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। और आज पैनल चेंज है तो थोड़ा सा कोऑपरेशन मेरे साथ आप लोग किए रहिएगा, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो, ठीक है? आज हम लोग का जो पूरा फोकस है वो हम लोग इसी के ऊपर करने वाले, इन्हीं तीन ब्रॉडर टॉपिक के ऊपर करेंगे। और माइट बी पॉसिबल तीनों टॉपिक एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएं या ना भी हो, क्योंकि थोड़ा सा अब हम लोग इंटरनल डेप्थ में भी जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंट्री में, है ना, किसी भी कंट्री में वहाँ के लोग हैप्पी कब होते हैं कि जब वहाँ का जो लॉ होता है वो अमेजिंग हो, लॉ लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता हो, ठीक है? लॉ लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हों और साथ ही साथ उन लोग लॉ को लागू करने की जो एंटिटी है वो भी बहुत अमेजिंग हो। There is an interest. I think someone is talking. थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्योंकि इंटरप्शन इस पर काफ़ी हो रहा है। आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तब आप उसको ऑन करिएगा, ठीक है? ताकि इंटरप्शन ना। If I am audible to all, yes sir. ठीक है, let's begin, because मुझे लग रहा है किसी का माइक ओपन है तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो वो लोग अपना माइक ऑफ रखें ताकि चीज़ें इंटरप्शन में ना हो, ठीक है? Let's move on to topic. क्या होता है कि किसी भी कंट्री में लोग हैप्पी तभी होते हैं कि जब वहाँ का लॉ अच्छा हो, लोगों के अकॉर्डिंग बनाया जाए। दूसरी चीज़, लॉ बन जाएगा बट उसको अच्छे तरीके से लागू करना, ये दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है। और कभी इन दोनों में, लॉ बनने और लॉ के लागू होने में अगर कोई इंटरप्शन आए, कोई रिपरकर्शन आए, तो उसको अच्छे तरीके से कोई एक एंटिटी जिसको सॉर्ट आउट कर दे, तो वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और इन्हीं तीन एंटिटी को अलग अलग वे में हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, ऐसी एंटिटी जो किसी भी देश में कानून को बनाती है। एग्जीक्यूटिव, जो वही कानून को जो बन गए हैं उनको लागू करने की जो अथॉरिटी जिस एंटिटी के पास होती है उसको एग्जीक्यूटिव। और अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसके ऊपर जो फैसला देगी उस एंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशरी बोलते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अब कुछ कोशिश ये करिएगा कि मेरे साथ साथ आप लोग चलिए। बहुत सी चीज़ें मैंने आपके इसमें लिख दी हैं लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको वर्बल में बताऊंगा, तो बहुत कॉन्शियस होकर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंडिया में होता क्या है, इंडिया में लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की लेजिस्लेचर का मतलब क्या है,
ये मैंने लिख दिया, तो इसके बराबर में और मैं क्या लिख सकता हूँ? लेजिस्लेचर, इंडिया में लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? पार्लियामेंट। वेरी गुड, व्हाट एल्स? हाँ नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ लॉ मेकिंग बॉडी, एक तो पार्लियामेंट हो गई, क्या सिर्फ पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट के अलावा भी कोई है? वेरी गुड, स्टेट लेजिस्लेचर, व्हाट एल्स? वेरी गुड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके के लेजिस्लेचर है, लेकिन जनरली ब्रॉडली हम लोग इन दो को मानते हैं, ठीक है। अभी PRI के पास इतनी पावर नहीं है, तो इसको हम लोग अभी इतना कंसर्न में नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा हटा के इन दो के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करेंगे। तो अब हमें करना क्या होगा, हम लोग इंडियन लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। लेजिस्लेचर जो कानून बना रही है, सेंट्रल लेवल पे जो कानून बनाती है एंटिटी, उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, और जो स्टेट लेवल पे कानून बनाती है उसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। दोनों की फंक्शनिंग नियरली सेम है, जिस तरह का स्ट्रक्चर पार्लियामेंट का है नियरली उसी तरह का स्ट्रक्चर स्टेट लेजिस्लेचर के भी होता है, थोड़े थोड़े से डिफरेंस के साथ। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो लेजिस्लेचर में आएगा वो आएगा पार्लियामेंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा पार्लियामेंट का, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। लुक एट दिस, कि फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ अ कंट्री देयर इज अ नीड ऑफ चैनल टू रन द कंट्री प्रॉपरली, हेंस आर होल कंट्री रन ऑन थ्री डिफरेंट सेंट विच आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ये बहुत अमेजिंग पॉइंट है, और शायद आप लोगों के लिए बहुत इजी वे में हो जाए, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ऑल थ्री हैव ओन एरिया ऑफ वर्किंग अंडर विच नो वन कैन इंटरफेस बट हैविंग इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ईच अदर। इस लाइन को पढ़िए, और इस लाइन को पढ़ने के बाद कुछ इसके मीनिंग मुझे बताइए, आप लोग क्या समझ रहे हैं इस लाइन से, तब मैं आप लोग की इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। इस लाइन को पढ़िए, उसके बाद मुझे मीनिंग बताइए इसकी। हो गया? हाँ बताइए। चैप्टर का नाम इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देखिए। इस लाइन को पढ़िए। बहुत ठीक है, व्हाट एल्स? ठीक है, देखिए। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, आपको थोड़ा सा मैं कुछ UPSC का टच देता हूँ। देखिए, दो वर्ड हैं, आप लोगों के लिए है नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए कोई लिमिट नहीं होती। मैं बोलूँ कि आपको ये चीज़ इस टाइम नहीं सिखाई जा सकती, तो ये गलत है। डजेंट मैटर UPSC में आती। देखिए, दो वर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट करेगा। फर्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस। ये शायद आप लोग के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेंगे आप लोग समझ जाएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, और चेक्स एंड बैलेंसेस मैंने इसी लाइन के बाद आपसे क्यों पूछा, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, होता क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब पावर अलग अलग है। सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे इंडिया में कानून बनाने की एक पावर है जो किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। उस कानून को लागू करने की पावर कौन सी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव। और उन्हीं कानूनों के ऊपर अगर कोई इशू हो जाए तो उस पर डिसीजन कौन लेते हैं, जुडिशरी। तो जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और लेजिस्लेचर आपकी अलग है। मतलब इंडिया में हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर का यूज करते हैं। हमने बोल दिया कि कानून बनाने की जो पावर है वो किसी एक एंटिटी के पास है। अब कानून बनाने की जो पावर है वो लॉ पे डिसीजन देने का काम नहीं करेगी। जो काम लेजिस्लेचर का है वो वही काम करेगी, अपने काम का इंटरफेरेंस किसी दूसरे के साथ नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी का भी काम करने लगे, जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव का भी काम करने लगे। इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, और सेपरेशन पावर ही यहां पे लाइन लिखी हुई है कि ऑल थ्री हैव ओन एरिया ऑफ वर्किंग अंडर विच नो वन कैन इंटरफेस।
सबकी अपनी एरिया ऑफ वर्किंग है, कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसी लाइन को मैं अगर सिर्फ तीन वर्ड में लिखता तो मैं लिख देता यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है। बात क्लियर है? अब इसके बाद क्या लिखा, बट हैविंग इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको पावर तो है लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मन आएगा कानून बनाएंगे, आपका जो मन आएगा वो आप उस तरीके से कानून को लागू कर देंगे और आपका जो मन आएगा वो आप डिसीजन देंगे। आप डिसीजन देंगे लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए काम करना है। अगर आपने अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाए तो हम उस चादर को बैलेंस करेंगे। तो चेक्स एंड बैलेंस, हम आपको चेक करेंगे और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कैसे होता है? सपोज दैट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, अब क्या हुआ, जुडिशरी के बाद ये किसी ने कंप्लेन फाइल की कि भाई ये जो लॉ बनाया गया है ये बेहतर तरीके से नहीं बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया। तो हमने क्या किया, जुडिशरी ने क्या किया, उसको चेक किया। अब चेक करने के बाद जो कंप्लेन आई थी अगर वो सही थी तो उसको बैलेंस करने के लिए जुडिशरी वहां पर स्टेप ले सकती है। अभी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर तो है लेकिन हम लोग साथ ही साथ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कर रहे हैं। लेजिस्लेचर ने सपोज कोई कानून बनाया और कानून बनाने के बाद किसी ने उसके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल की कि भाई ये जो कानून है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कौन सी अथॉरिटी जो उसको चेक करेगी और उसको बैलेंस करने की जिम्मेदारी लेगी? तो वो सुप्रीम कोर्ट होती है। तो सब अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन सबकी एक लिमिट है, उस लिमिट को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अगर किसी ने क्रॉस करने की कोशिश की, अगर एग्जीक्यूटिव ने क्रॉस करने की कोशिश की तो लेजिस्लेचर या जुडिशियल उसको रोक लेंगे, जुडिशियल ने क्रॉस करने की कोशिश की तो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर रोक लेंगे। इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस और यही आपकी बट के बात वाली लाइन का मतलब है। बात क्लियर है सबको? कोई इशू? आई थिंक बहुत ईजी सर। हाँ यस यस, हाँ मतलब कि जजेस का काम है न्याय देना, जस्टिस देना, वो आप वो करो, आप कानून मत बनाओ। जैसे आप लोगों को याद होगा अभी कुछ साल पहले हुआ था ना कि जो आपकी जो हाईवेज होते हैं, शायद आप लोगों ने न्यूज़ में सुना हो, हाईवेज होते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 500 मीटर तक हाईवेज के जो हैं वहाँ पर आप लिकर शॉप नहीं रख सकते, लिकर शॉप नहीं रखी जा सकती। बिकॉज बताया गया लोग वहाँ पर लिकर ड्रिंक करके जब ड्राइव करते थे तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहे थे। ये डिसीजन किसने लिया? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट बॉडी कैसी है? सुप्रीम कोर्ट है जस्टिस देने वाली, जुडिशरी वाली बॉडी, उसका काम लॉ बनाना नहीं है। तो फिर लेजिस्लेचर ने उसके अगेंस्ट में अपने स्टेप लिए थे, तो इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। कहने का मतलब क्या है कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, बट देयर इज अ चेक्स एंड बैलेंसेज बिटवीन ईच अदर, सबके बीच में सेपरेट चेक्स एंड बैलेंसेज है। मतलब कानून आप बना, इसको बोलते हैं कभी कभी जब जुडिशरी को लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है तो वो खुद कानून बना देती है। जैसे उनको लगा कि सरकार जो हाईवेज है उनके बगल में लिकर शॉप नहीं होनी चाहिए 500 मीटर तक, तो उन्होंने खुद कानून बना दिया। इसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच, इसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग अभी ज़्यादा नहीं जाते, ये एक अलग डिस्कशन है, अभी बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा अभी फिलहाल हम लोग यहीं पे स्टिक होते हैं। तो मैटर क्या है कि हम लोग अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए कानून बनाने की एंटिटी अलग है, लागू करने की अलग है, उस पर न्याय देने की एंटिटी अलग है, इसी को हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। और तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी कहीं ना कहीं रखते हैं, वो हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेज हो गए। यही पूरी लाइन लिखी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या चीज़ है। ओके ठीक है, अब हम लोग को चूंकि एक एक करके इंस्ट्रूमेंट को देखना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेचर को लेके, और कहीं ना कहीं यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में बात हो रही है। इमेजेस दिख रही हैं सबको? Yes, है ना। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे, पॉइंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका जानने के लिए जरूरी है। देखिए जो फंक्शन, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है पार्लियामेंट। ठीक है, अब उसी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हम गैदर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है आपकी करंट पार्लियामेंट और ये आपकी है अपकमिंग पार्लियामेंट, पता है ना आप लोगों को ये बात? Yes, ठीक,
कंट्रोवर्सी हुई, कोई एक वर्ड भी बड़ा कंट्रोवर्सियल रहा है? सेंट्रल विस्टा, कोई जानता है इसका मतलब क्या? देखिए होगा क्या है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की ये जो बिल्डिंग है ना, पार्लियामेंट की ये जो बिल्डिंग है और राष्ट्रपति भवन है ना, प्रेसिडेंट हाउस जो है, उसके बीच में एक डिस्टेंस है पूरी। जैसे सपोज दैट ये है आपका, मान लीजिए ये आपका पार्लियामेंट है और यहाँ से लेके यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट हाउस है या राष्ट्रपति भवन जिसके बोलते हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस पड़ रही है ये कुछ एक या डेढ़ किलोमीटर जो भी है वट एवर, ये जो डिस्टेंस पड़ रही है ना, ये डिस्टेंस है। और इसी के आसपास दो मिनिस्ट्रीज, कई मिनिस्ट्रीज के भी ऑफिस हैं, ठीक है, इसी रोड के ऊपर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेन पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के बीच जो पूरी रोड पड़ी है और उसके चारों तरफ जो मेन मेन बिल्डिंग है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है, डिफेंस सेक्रेटरी, तो इन पूरे होल प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा बोला जा रहा है। सेंट्रल विस्टा इज अ प्रोजेक्ट, हाँ, सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या है, जो पार्लियामेंट से लेके राष्ट्रपति भवन के बीच का जो रोड है उसके एडजेसेंट में जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है सबको रिजनोवेट करके नया कंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और उसी में से हमारे ओल्ड पार्लियामेंट को अब इस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये पूरा होल प्रोजेक्ट जो है उसको हम लोग सेंट्रल विस्टा बोल रहे हैं। कितना अमाउंट एलोकेटेड है इसमें, किसी को पता अमाउंट कितना एलोकेटेड है इसमें? मोर देन 1 करोड़, मोर देन नियरली 20,000 करोड़ रुपीज। मोर देन 1 करोड़ तो बहुत कम हो गया, 1 करोड़ में एकदम कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हाँ मतलब कि ये अलग, सॉरी व्हाट इज द हार्म फॉर दिस अमाउंट, 20,000 करोड़ मैटर हो रहा है अलग अलग। जो फर्स्ट इनिशिएट में है वो है 20,000 करोड़ रुपीस। यस अब ये बताइए 1950 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? नियरली ओवर एंड ऑल 30 करोड़। अभी पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़, है ना। तो अब उस समय जो पार्लियामेंट उस टाइम की बनी हुई है तो उसमें होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। तो लोकसभा में क्या होता है, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं, वो पहुंचते हैं। अब पहले 30 करोड़ लोग करते थे, अब 130 करोड़ लोग कर रहे हैं। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी तो बढ़ेंगे, तो जब रिप्रेजेंट करने वाले लोग बढ़ेंगे तो उनके लिए जब बड़ी जगह भी हमको चाहिए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को नया रूप दिया जा रहा है। अब इस पर कंट्रोवर्सी बहुत है, नहीं नहीं एक रीज़न, इसका मतलब ये नहीं, अब ओल्ड स्ट्रक्चर हो गया है, अब इसमें जो विपक्ष है वो तो बहुत कुछ बातें बोल रहा है, कहने लगे कोरोना टाइम चल रहा है, 20,000 करोड़ रुपये कहाँ खर्च। एक रीज़न ये भी है कि मतलब कि जो जो चीज़ ऐसे कहाँ तक चीज़ हटाएंगे, देखिए इस पर हम और आप अपना ओपिनियन देंगे, मैटर ये है कि बहुत सी चीज़ें ओपिनियन में चल रही हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, हमें इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना था, जिस वजह से हम लोग उसके पीछे कर रहे हैं। जेन्युइन कॉस्ट तो यही है, और दूसरी चीज़ ये है कि पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, और तीसरा जो अभी आपने बताया कि जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था अब उसको ख़त्म करके जो इंडियन वास्तुकला है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो ये हमारी पार्लियामेंट है जिसका एक नया वर्जन ये है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये बनाई जा रही है और ये पूरा प्रोसेस है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको सबको पता है। देख लिए भाई, द मेन फंक्शन इज टू मेक लॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। लॉ बनाना इसका मेन फंक्शन है, और इट मेक्स लॉ ऑन किन किन चीजों पे लॉ बनाती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, एज वेल एज फॉर द स्टेट लिस्ट इन सर्टेन मैनर, दीज लिस्ट आर मेंशन इन शेड्यूल 7। देखिए यस बताएं, रेसिडुअरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर लॉ बनाती है। जैसे अभी मैं इसको बताऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखिए इसके ऊपर हम बता रहे हैं, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, बात हम लोग जीडी करके ही करेंगे। देखिए पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना, तो लॉ किस पर बनाना,
किस चीज़ के ऊपर लॉ बनाना, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं, टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स कौन डिफाइन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने टॉपिक डिफाइन किए हैं। कहाँ पे डिफाइन किए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो आप लोग को ये आप लोग को याद होगा, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर हमने बताया था, एक होता था पार्ट, है ना, एक होता था आर्टिकल, आर्टिकल्स, और तीसरा क्या होता था? शेड्यूल, है ना, शेड्यूल। जो पहले 8 थी वो बढ़कर अब 12 हो चुकी है, अमेंडमेंट 12 हो गई है। तो इन्हीं 12 शेड्यूल में से एक शेड्यूल है जिसको हम लोग शेड्यूल 7 बोलते हैं। शेड्यूल 7 में तीन तरह की लिस्ट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि पर्टिकुलर एक यूनियन लिस्ट है जिसके ऊपर यूनियन कानून बनाएगी, एक स्टेट लिस्ट है जिसके ऊपर स्टेट कानून बनाएगा, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, सेंटर स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, बट अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर दोनों लोग कानून बना सकते हैं और थोड़ा सा विवाद हो गया तो उसके ऊपर किसकी बात मानी जाएगी? पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी। इसी तरीके से एक लिस्ट और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यूरी लिस्ट ऐसे मैटर जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं और कोई ऐसा चीज़ें बच जाए, है ना, तो वो जो प्रोसेस होते हैं वो आपके रेसिड्यूरी में आते हैं। और इसके ऊपर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के पास है। गॉट इट माय पॉइंट? पार्लियामेंट के, हाँ, किसी भी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर और है जो मैं आप लोगों को बता दूँ। यूनियन लिस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन कानून बनाएगी, स्टेट कानून नहीं बनाएगा। स्टेट के ऊपर, कॉन्करेंट के ऊपर दोनों लोग कानून बनाएंगे, स्टेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट कानून बनाएगा, यूनियन नहीं बना सकता। ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसमें स्टेट लिस्ट के ऊपर भी यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, कुछ सर्टेन सिचुएशन होती हैं। देखिए ये डेप्थ में हो जाएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको समझने के लिए क्या करना है, यूनियन लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट कानून बनाएगा, बट कुछ सर्टेन सिचुएशन में आपका यूनियन स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकता है। वो सर्टेन सिचुएशन कैसी है? राज्यसभा कोई एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि नेशनल इंटरेस्ट में कोई इमरजेंसी आ गई है, तब ऐसी कंडीशन आएगी। तो राज्यसभा क्या करेगी, अपने यहाँ एक रेजोल्यूशन पास करेगी और रेजोल्यूशन पास करने के बाद कह देगी कि यूनियन गवर्नमेंट इज कैपेबल टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। ये कंडीशन होती है जब उसको लगे नेशनल इंटरेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सपोज डेट मान लीजिए कि स्टेट इमरजेंसी आ जाए, जैसे जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, तो भी कंडीशन होती है इमरजेंसी लग जाए, तब भी कभी ना कभी यूनियन जो होती है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है। तीसरी, आप लोग को पता है तीनों में कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग कानून एक दूसरे के लिए बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, बट अगर दोनों के बीच में किसी भी तरह का इशू होगा तो यूनियन गवर्नमेंट की बात को माना जाएगा। और ये सारी बातें कहाँ पर लिखी हुई है? शेड्यूल 7 में। और शेड्यूल 7 कहाँ पर मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ, बात क्लियर? यस, ऑब्वियसली हम लोग अभी फेडरलिज्म पढ़ेंगे, फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है फेडरलिज्म का। यस, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टेंसेस जहां पर सेंट्रल पावरफुल है, लेकिन स्टेट ऑब्वियसली, हम लोग अभी बहुत सी चीजें आने बाकी हैं। जैसे एक फ्रेज बोला जाता है कि जो सेंटर है, हम लोग फेडरल को फॉलो करते हैं, फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब पावर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो बिटवीन टू हैंड, दो एंटिटी में, लेकिन हमारा झुकाव जो है, यस, सेंट्रल के ऊपर थोड़ा ज्यादा है, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा पावरफुल को मानते हैं। ठीक है, ये फैक्टर, डेफिनेटली। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू, इसमें किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है हमसे, एनीवन? हाँ, देखिए एक चीज़ और भी है, यूनियन का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी इसको बोलते हैं, कभी इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और यूनियन गवर्नमेंट जिसके ऊपर कानून बनाती है, तो जिस लिस्ट के ऊपर कानून बनाती है उसी को हम लोग यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं। यूनियन या सेंट्रल बोल रहे तो एक ही चीज़ है। ठीक है, किस चीज़? आप थोड़ा सा ये ब्रदर वाला क्या चीज़ बोल रहे हैं, थोड़ा सा? सेंटर, अब हमने दोनों के फीचर्स लिए हैं,
अब ये थोड़ा सा इंटरनेट हमने क्या हुआ था, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जब सारी पावर एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए, और फेडरल का मतलब होता है जब सारी पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज हो गई है ना, यही तो मैटर है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल को भी फॉलो किया जाता है, यूनिटरी को भी फॉलो किया जाता है। इसी तरीके से जो आप बोल रहे हैं, हम लोगों ने दोनों कंडीशन को फॉलो किया है, दोनों तरह के एग्जाम्पल हमको मिलेंगे, जहां पर सेंट्रल स्टेट एकदम इक्वल है, ठीक है, और एक ऐसी भी कंडीशन है कि जहां पर सेंटर कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल है। एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं इमरजेंसी प्रोविजन पे, ऑल इंडिया सर्विसेज की रिस्पेक्ट में, इसी तरीके से स्टेट इमरजेंसी की रिस्पेक्ट में, और भी चीजें सेगमेंट आते हैं जिसमें सेंटर ज्यादा पावरफुल है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी बहुत सी चीजें इसमें तो यही है ना कि यस किसके रेजी थ्योरी में, जैसे फॉरेक्स के बारे में आता है, फॉरेक्स के मतलब जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आ गया है ना, या स्पेस के बारे में भी अक्सर बात होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन में आप याद आ गया जो आप लोगों से पूछा, एक दफा आप लोगों ने पूछा था सर वो कौन कौन सी ऐसी रिवर है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है लेकिन जरूरी है, कौन कौन सी ऐसी रिवर है जो कि एस्टुरीज का मेन निर्माण करती है इंडिया में। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई रिवर स्पेसिफिकली नहीं है, ये वाटर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो दामोदर रिवर है वो भी कभी ना कभी इसी में आ जाती है, और बहुत सी ऐसी रिवर जैसे चिलकर लेक है उसको सॉल्ट वाली बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उसको एस्चुरी उसमें भी बोला जाता है, क्या नाम है, जो ब्रैकिश वाटर वाली भी एस्चुरी भी बोला जाता है। तो रिवर कोई एक नहीं है, वो वाटर के अंदर सॉल्ट कंटेंट किस तरीके से उसके आधार पर भी बोला जाता है। तो दामोदर रिवर को भी बोला जाता है, चिल्का रिवर को भी बोला जाता है, और भी कई रिवर हैं जो ब्रैकिश वाटर भी हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक कि जो रेसिड्यूरी में जो फॉरेन एक्सचेंज डॉलर, एक डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपीज, ये क्या है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि आप अगर हमें एक डॉलर देंगे तो मैं आपको 70 रुपीज आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो एक्सचेंज हो रहा ना, तो किस में हो रहा है, फॉरेन में हो रहा है, फॉरेन करेंसी में हो रहा है, तो इसी को फॉरेक्स बोला जाता है। अभी बहुत टर्म है फाइनेंस का भी, यस कौन सा, हाँ मैंने बताया एक टॉपिक नहीं है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और भी है, ऐसे टॉपिक जो ज़्यादा इवॉल्विंग हो और जिसमें कहीं ना कहीं मोनोपोली की ज़रूरत हो, जैसे आईटी है, आईटी के में क्या है आजकल हम क्या क्या पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ें क्या है, रोबोटिक्स। तो जो आईटी के जो सेगमेंट है, 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, तब इसके ऊपर कौन कानून बनाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून कैपेबल है बनाने के लिए, तो पावरफुल मोनो जो डिसीजन लेने के लिए, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है, फिलहाल अब भी देखते हैं, नहीं तो डिबेट बहुत आगे चली जाएगी। यस सबसे ज्यादा होते हैं यूनियन लिस्ट में, मोर देन 99 है, और उसके बाद आपकी आती है कॉन्करेंट लिस्ट में, फिर उसके बाद स्टेट लिस्ट में, और रेसिड्यूरी में सबसे ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा यूनियन में है और उसके बाद कॉन्करेंट, फिर उसके बाद स्टेट में। और एक चीज और, ये जरूरी नहीं है कि अगर एक कंटेंट हमारे यूनियन में है और एक कंटेंट स्टेट में है तो वो वैरी नहीं करेगा, जैसे बहुत सारे कंटेंट हमने उठा के स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ला के रख दिया, जैसे वेट एंड मेजर पहले वो स्टेट में आ रहा था, जैसे फॉरेस्ट के बारे में वो सब उसमें आ रहे थे, तो हमने उठा के उसको कॉन्करेंट लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो कोई श्योरिटी नहीं है। अब इसके लिए अमेंडमेंट होते हैं, अब अमेंडमेंट का प्रोसेस पूरा अलग है, तो अभी धीरे धीरे आइए सब कुछ में। हम क्या कर रहे हैं, सॉरी कोई भीख मांग रहा है चैट देखिएगा हुआ, चैट ऑफ कर दीजिए, इट इज टू डिफिकल्ट। हाँ वो भेज रहे हैं, फिलहाल हम लोग मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। चलिए तो जैसे हम लोगों ने देखा हमारी पार्लियामेंट है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे नहीं तो टॉपिक हमारा रह जाएगा, आप ही लोग के नुकसान होगा। पार्लियामेंट है, उसका कंपोजिशन क्या है, हम लोगों का तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये बात सबको क्लियर है,
तीन हिस्सों में डिवाइड है, एक एक करके देखेंगे, लोकसभा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे। सर इसकी चैट म्यूट कर दी। यस डेफिनेटली, यहाँ अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आ जाएगा, चलिए अच्छी चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट आप लोग और बता दें, ये चीज़ ये स्ट्रक्चर सबको पता है ना। देखिए हम लोग जो हैं, जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आज देखिए आप लोगों को सारे यूपीएससी के कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम लोग उसमें तीन चीज़ें पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना, ये तीन चीज पढ़ते हैं। अब क्या होता है, इनके बीच में अगर कोई रिलेशन है उसके आधार पर हम लोग जो गवर्नमेंट होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनके ये तीन के बीच में एक रिलेशन है जिसके आधार पर, तीन के बीच में भी नहीं, इसको हटा दीजिए, जुडिशियल को हटा दीजिए, इन दो में एक रिलेशन है जिसके आधार पर जो किसी भी देश की गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। होता क्या इसमें, वेन एवर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, वेन एवर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, देन दिस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड इन अ वाइस वर्सा केस, वेन एग्जीक्यूटिव इज नॉट responsible to legislature, this type of phenomena is called as presidential form of government। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या होता है कि executive एक entity है जो कानून को लागू करती है, legislature जो कानून बनाती है, जब executive ने कोई भी action लिया उसके प्रति अगर वो responsible नहीं है legislature में, तो उस तरह की form of government को presidential form of government। ये कहाँ पे follow होती है, USA में। अब इसको थोड़ा सा example लेके समझने की कोशिश करिएगा। US में होता क्या है, सपोज दैट जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब वो आए तो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस किया था, सबको याद है ना। लेट मी कंप्लीट, अभी आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया कि डीमोनेटाइजेशन किया। अब जब डीमोनेटाइजेशन उन्होंने कर दिया, बट अगर वहां पर हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी भी तरह का कोई भी जवाब लेजिस्लेचर में देने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की जो एग्जीक्यूटिव वो एकदम अलग काम कर रही है, लेजिस्लेचर अलग काम कर रहा है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी जवाबदेही देनी पड़ी। इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे हैं। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट साहब अलग हैं और जो कानून बनाने की जो संस्था है वो एकदम अलग है, अलग अलग हैं। लेकिन हम लोग में ये ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन लेगी तो उसको जवाब देना पड़ेगा लेजिस्लेचर में। और आप देखिए जो वहाँ की अमेरिका की हेड ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर हेड कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब, और प्रेसिडेंट साहब एकदम अलग हैं। लेकिन हमारे क्या प्रेसिडेंट साहब एकदम अलग नहीं है, उनको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है और वो पूरे तरीके से देखते हैं कि भाई जो प्रोसेस हो रहा है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, चूँकि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, और इसकी पूरी और इसका मतलब प्रेसिडेंट साहब को इन्वॉल्व किया गया। इसका मतलब क्या है, एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम, और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट का मतलब मैं बोल रहा हूं यहां पर राज्य, पूरे इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, पूरे इंडिया की बात हो रही है। इसको एक लैटिन वर्ड में भी बोला जाता है डी ज्योर, और इसका दूसरे वाले क्या बोलते हैं, डिफैक्टो, ठीक है। डीजोर मतलब कि ये नाम मात्र के, खाली नाम के गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, वो ये उल्टा हो गया, ये डिफैक्टो का मतलब होता है जो रियल में गवर्नमेंट के हेड होते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, और जो नॉमिनल वाले होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, जो
समराइज करते हुए बस ये बोलूँ, चूँकि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जीक्यूटिव यहाँ पर कौन है? एग्जीक्यूटिव में भी प्रेसिडेंट साहब ये सब आते हैं, इस वजह से उनको पूरे तरीके से हमारे लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट में पार्ट रखा गया है। अब यही क्या है, इसको अमेरिका से रिलेट करें कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव अलग होती है, लेजिस्लेचर अलग होती है। तो जब दोनों एंटिटी ही अलग अलग हैं तो दोनों को वहाँ की जो कानून बनाने की लेजिस्लेचर उसमें लागू नहीं किया जाता। अब कोई जवाब दीजिए कि वहाँ डेफिनेटली नॉट ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ है ना ये क्यों? चूंकि वो लोग एक तरह का सिस्टम ही इस तरह का वहाँ फॉलो होता है, चूंकि इसी वजह से उनको ऑटोनो। अभी देखिए उन्होंने मैक्सिको और यूएसए के बीच में वॉल खड़ा करने की बात कर दी, किसी ने कुछ कहा वो मैंने, आप देखिए वहाँ पे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी आगे पढ़िए, इसकी बहुत ग्लिचेस है, बहुत मज़ेदार चीज़ें। अब एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इंडिया की लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट बोलते हैं, अमेरिका की लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? नो सोचिए, आई होप पता होगा आप लोग को, व्हाइट हाउस इज अ हाउस वेयर प्रेसिडेंट रिसाइड। एग्जैक्टली, समवन सेइंग कांग्रेस, नहीं नहीं पेंटागन इज नॉट कोई बात नहीं, किसी ने बोला था कांग्रेस, करेक्ट वन, वहां की जो उसको बोलते हैं उसको कांग्रेस बोलते हैं। एक उसमें होती है सीनेट और दूसरी होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, है ना कुछ ज्यादा ही कुछ और हो गया वहां पे। तो सीनेट इज द अपर हाउस, कांग्रेस जैसे यहाँ की लेजिस्लेचर को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, तो अमेरिका की जो लेजिस्लेचर जो कानून बनाने की एंटिटी है उसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस का लिटरल मीनिंग होता है जहाँ पर कुछ लोग मिलके कुछ काम करें तो वो कांग्रेस कहलाती है। कांग्रेस सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, हमारे यहाँ की कांग्रेस का पूरा नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, कांग्रेस नाम नहीं। तो ये चीज़ है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, बातें कहाँ से स्टार्ट। यस क्वेश्चन फिर से करीब बहुत इंतजार है, क्या क्वेश्चन है? हाँ नहीं, तो अगर प्रेसिडेंट साहब ने आपको पहले चाटा मारा थी, बताए प्रेसिडेंट साहब आपके पास नहीं नहीं प्रेसिडेंट साहब आपके पास क्या करेंगे? देखिए पहली बात, अगर प्रेसिडेंट साहब ने आपको चाटा मार दिया, सुनिए तो प्रेसिडेंट साहब ने अगर आपको चाटा मार दिया तो हमारे हम लोग क्या है इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, एक चाटा मारे दूसरा के सर इधर भी मार लीजिए आप तो उसे भिड़िएगा नहीं, प्रेसिडेंट साहब हैं वो, पता नहीं हम लोग कहाँ गुम हो जाएंगे अगर हमने रेसिप्रोकल में उनको चाटा मार दिया। ठीक है, तो ओरिजिनलिटी में रहना है, ज़्यादा भावनाओं में नहीं रहना है, कम टू द पॉइंट। तो पार्लियामेंट का जो पहला HOR हाउस ऑफ रेवेन्यू भी हो सकता है, HOR सॉरी हाँ ओके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या HOR कहाँ से आ गया एकदम, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम क्या करेंगे, लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा क्या है? हमारी लोअर हाउस है, NC। कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में जो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये फैक्ट एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। लेट्स सी, लोकसभा क्या है? लोकसभा इज अ लोअर हाउस ऑफ आर लेजिस्लेचर, हमारे पार्लियामेंट का छोटा हिस्सा, मतलब कि निचला सदन है। इसमें इलेक्शन कैसे होता है? इसमें इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन। कैसे होता है? डायरेक्ट इलेक्शन, इसका मतलब समझते हैं आप लोग डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब? Yes, sir. क्या? हाँ, मतलब जहां पर पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व हों,
उस तरह के इलेक्शन को हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, और जहाँ पर पीपल डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो उसको हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, रिप्रेजेंटेशनल, प्रोपोर्शनल, अभी सब आएगा। तो फिलहाल क्या है, लोकसभा का इलेक्शन मेथड जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब हम लोग, हम और आप पार्टिसिपेट उसमें करते हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको कितना बताया है, 552, जिसमें से 530 स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे, 20 जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, यूनियन टेरिटरी से, और जो दो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। अब वो आप लोग कहाँ, ये देखिए कुछ दिख रहा है छोटा सा, टर्म्स एंड कंडीशन छोटा सा दिख रहा है ना। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन था कि आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया कि 552 टोटल मेंबर होने चाहिए, है ना, जिसमें 530 आपके स्टेट से बिलोंग करेंगे, 20 मेंबर आपके यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करेंगे, और जो दो मेंबर हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। बट अब ये सॉरी हाँ वही मैं जान, हाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेट मी कंप्लीट, क्वेश्चन क्या करना है, आप लोग को ये क्वेश्चन करके टेस्ट करके मुझे बताना है कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। देखिए बहुत ध्यान से, कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जिसके जरिए से इस वाले प्रोविजन को हटाया गया है। मैं एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, है ना, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसमें से पूछिए। देखिए बिल का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट में कोई भी चीज आती है वो एज अ बिल आती है ना, और जब वो बिल आती है तो हो सकता है वो लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए। ठीक, सपोज दैट लोकसभा में, वो लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, इन दोनों में से किसी में भी आ सकता है। सपोज दैट कि लोकसभा में आया, तो लोकसभा से निकलने के बाद वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा में आया तो वो कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा, है ना, और उसके पास होने के बाद वो कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट साहब के पास, तीन स्टेप है ना, और प्रेसिडेंट के पास जब वो पास हो जाता है तो वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, बिल जो था वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी बहुत से बिल आते हैं जो एक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाते, बीच में ही कोलैप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो मुझे ये नहीं बताना है आपको कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, हमें ये बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के जरिए से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इसको आप लोगों को बताना है, बात समझ। व्हाट हैपेंड, नहीं कम अगेन प्लीज, हाँ देखिए मैं बता, देखिए इसका प्रोसेस होता है क्या, जल्दी सपोज डेट आप लोग एक एग्जांपल लीजिए, सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल था, याद है आप लोगों को, सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो उसमें हुआ क्या, वो एज अ बिल, एग्जैक्टली CAA, है ना, देखिए हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ, देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी किसी भी चीज में कुछ भी करना होता है पार्लियामेंट के थ्रू, तो वो एक बिल के जरिए से होता है। बिल का मतलब क्या, एक पेपर पे जो पर्सन उस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, सपोज दैट होम मिनिस्टर साहब ने किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया, तो एक पेपर पे वो लिखते हैं उसको, प्रोटोटाइप टाइप का एक पेपर पे, रफ टाइप का, और वो इंट्रोड्यूस हुआ, अगर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ या राज्यसभा में, कहीं पे भी इंट्रोड्यूस होता है, तो लोकसभा में उसके ऊपर डिबेट होती है, डिबेट होने के बाद पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो वो लोकसभा से पास होता है वोटिंग करने के बाद, फिर वो जब वहां से पास हो जाएगा दिन कहां जाएगा, राज्यसभा में, राज्यसभा में भी यही प्रोसेस, पढ़ा जाएगा, डिबेट होगी, वोटिंग होगी, राज्यसभा से पास हो गया, अब राज्यसभा से पास होने के बाद वो कहां जाएगा, प्रेसिडेंट साहब के पास, प्रेसिडेंट साहब उसको पूरी तरीके से देखते हैं, और जब उनको लगता है हाँ ठीक है, उन्हीं ने अपनी सिग्नेचर कर दी, तो जो वो बिल था वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया, बिल अब कानून बन गया, अब वो इंडिया में लागू हो जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो बिल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। बहुत से ऐसे बिल हैं जो कि आने के बाद ख़त्म हो गए, इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत से कैब थे वो CAA हो ही नहीं पाए। ठीक है, तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि जो एंग्लो इंडियन वाला जो प्रोसेस है
वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के जरिए से आया है। अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत होगी तो मैं कल आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? ये तो होता ये तो कैड इसकी रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है, है ना। सी ए डी अलग है, सी ए बी बोल रहा हूं, कैब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फुल फॉर्म क्वेश्चन ये है कि जो आप लोग एंग्लो इंडियन वाला है ना, एंग्लो इंडियन दिस है ना, ये हुआ क्या है, ये जो दो मेंबर थे इनको अब नहीं अपॉइंट किया जाएगा, अब इनको नहीं चुना जाएगा, नहीं चुना जाएगा। पहले क्या था चुना? यस ऐसा पर बिकॉज इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो गया है। एंग्लो इंडियंस वो पर्सन होते हैं कि जिनके मम्मी या पापा कहीं ना कहीं इंग्लैंड के साथ बिलोंग करते हो, थोड़ा सा उनका रिलेशनशिप इंग्लैंड के साथ हो, मम्मी यहाँ के रहने वाली है इंग्लैंड के, तो इस तरह की जो पॉपुलेशन होती थी। नॉट फॉरेनर स्पेसिफिकली जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ मम्मी या पापा इधर के रहने वाले हो, तो जैसे सपोज कोई ब्रिटिशर्स यहाँ आया। सिर्फ उन्हीं को नहीं बोलते हैं, उनके लिए अब ब्रिटिशर्स 200 साल यहाँ रहे तो कुछ रिस्पेक्ट देंगे ना हम उनको। तो मैटर ये है कि ब्रिटिशर्स के बारे में था, अब उनकी अब कौन इंडिया में रहता, जनरली सब वापस चले गए, कुछ ही लोग हैं जो रहते थे, तो उनका रिप्रेजेंटेशन और कम हो गया, उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, तो कहने लगे उनको स्पेसिफिकली अब इतने ज़्यादा मदद देने की ज़रूरत नहीं है, अब उनका प्रोसेस एकदम ख़त्म कर दो। अब एक चीज़ और भी हम आपको ज़्यादा नहीं बता सकते, एंग्लो इंडियन को ही नहीं किया गया, आप लोगों को याद होगा एससी एसटी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है ना, क्या वो रिजर्वेशन उसके भी इसी प्रोविज़न में था, उसके बारे में भी एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो हर 10 साल के बाद वो अमेंड करके बढ़ाया जाता है। इस बार भी यही हुआ, हर बार क्या होता था कि एससी एसटी को 10 साल के लिए बढ़ाया जाता था और 10 साल के लिए एंग्लो इंडियन को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, इस बार नहीं हुआ। इस बार एससी एसटी को तो 10 साल की रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया लेकिन एंग्लो इंडियन की जो पोस्ट थी वो एकदम खत्म कर दी गई, अब एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। सॉरी नहीं, अब हो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, और मुझे लगता है कि जब तक समाज में इक्वालिटी नहीं आती तो कुछ ना कुछ देखते हैं। लेट्स सी, इट्स नॉट आर मैटर, मैटर इज दैट दिस, लेट्स मूव ऑन टू। अब इसका क्या बात है, लोकसभा का टेन्योर कितना है, जनरली 5 साल तक होता है, बट इससे पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। अब डिसॉल्व कैसे होती है, डिसॉल्विंग का मतलब हम लोग काम कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अभी वर्क कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट काम कर रही है, किसी वजह से उनकी गवर्नमेंट गिर जाए, गिरने का मतलब कुर्सी पर से नहीं, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए। देखिए होता क्या, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब है, देखिए बहुत ईजी सा, देखिए होता क्या है, देखिए कितने, मान लीजिए कि अभी लोकसभा में 550 लोग हैं, है ना, तो इसका आधा कितना होगा, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, 275, इसका हाफ हुआ, ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट 275+1 ये इतने जो एमपी है वो उनकी पार्टी में है, जैसे बीजेपी में भी 350 प्लस है तो कोई इशू ही नहीं है, तो जो भी पार्टी 275+1 सीट्स को एक्वायर करी होती है इसका मतलब उसको वहां पर कॉन्फिडेंस है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। अब क्या होता है इसी के अगेंस्ट में सपोज दैट कुछ लगे, अब क्या होता है जो पार्टी होती है, सपोज दैट मैंने एक आपको प्रोसीजर रखा, जैसे सपोज आप लोग का क्लास जो उसमें 20 बच्चे हैं, मैंने कहा कल की क्लास होगी या नहीं होगी, तो डिसीजन कैसे होगा, डिसीजन कैसे होगा, आधे से ज्यादा लोग मेजॉरिटी से होगा, तो मेजॉरिटी का प्रोसेस क्या है, 20 का आधा कितना हुआ, 10, 10 में एक जोड़ेंगे तभी तो मेजॉरिटी, मिनिमम मेजॉरिटी यही तो होगी, तो 550 की मिनिमम मेजॉरिटी कितनी होगी, 275+1, गॉट इट। यहाँ पर कई कंडीशन, यहाँ पर एक कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कई कंडीशन, देखिए होगा क्या, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 275 सपोज दैट मान लीजिए कि 275 ही 276 ही बीजेपी के पास मेंबर हैं,
अब एक कांग्रेस वाला कोई पर्सन आया, उन्होंने बीजेपी के एक एमपी साहब को कहा कि भैया ऐसा है कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, खाली आपको काम क्या करना है, चुपके से वहाँ की सदस्यता छोड़िए, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। कहा अच्छा 5 करोड़ रुपये दे रहे हो, ठीक है आ जाएंगे। तो वो पर्सन आ गया इनके पास और 275 हो गया, अब टाई चल पाए। तो एक पर्सन को कांग्रेस ने और लाला ले दी। देखिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इसको रियल मत लेकर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो किसी तरीके से अपोजिशन पार्टी ने क्या किया कि 2-3 जो बीजेपी के मेंबर थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, हॉर्स ट्रेडिंग करके। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब होता है बहुत सारा पैसा खिला के अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। मेजॉरिटी कितनी चाहिए थी, 275+1 मतलब 276, अब कितने हो गए दो बंदे निकलने के बाद, 274। तो जो कॉन्फिडेंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, नो कॉन्फिडेंस में। अब ये कभी भी 5 साल में कभी भी हो जाएगा, जैसे ही होगा वैसे पार्टी गिर जाएगी, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं, पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। इसी वजह से वो नहीं डिसॉल्व हो जाएगी, लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ और प्रोसेस होगा, इलेक्शन भी हो सकते हैं। यस वेरी गुड क्वेश्चन। एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए कंडीशन, 4 कंडीशन डिफाइन की गई हैं। एंटी डिफेक्शन के लिए होता क्या है कि एक दफ़ा कुछ कंडीशन को अगर कोई पर्सन फॉलो करता है, जैसे सपोज दैट मैं बीजेपी का मेंबर हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बीजेपी की बातों को मानना चाहिए। बीजेपी जिस दिन वोट करवाए मैं वहाँ पर जाके वोटिंग करूँ, बीजेपी ने कहा कि आप मेरी बातों को माने और मेरी बातों को बोलें, मैं उनके अगेंस्ट में जाके बोलूँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है कि अगर कोई पर्सन किसी पार्टी से बिलोंग कर रहा है और वो उस पार्टी के पक्ष में ही वोट ना करे, किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट कर दे, तो उस बंदे के ऊपर क्या लग जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर लग गया तो आपकी सदस्यता, आपकी जो मेंबरशिप है उस सभा से, लोकसभा से, वो एकदम खत्म हो जाएगी। इस तरह की 4 कंडीशन और हैं, हम आपको चारों नहीं बता सकते, किसी दिन GDD करिए तो बेसिक मजा आएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको, मतलब कि 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है ना, क्लियर। देन क्या, देखिए इट इज कॉल्ड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज हंग असेंबली। क्या बोलते हैं, हंग असेंबली इसको बोलते हैं, कि जब किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी ना मिली हो। तो इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब मुझे लगता है सिर्फ ये कि यही कंडीशन है जिसमें पावरफुल है, बाकी वो एकदम नाम मात्र के। इसमें उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो करते क्या है, जनरली कुछ रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाता है। रूल में क्या है, वो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, सपोज डेट मान लीजिए किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन कोई एक ऐसी पार्टी होगी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे, मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी के हेड को बुलाएंगे कि भैया ऐसा है, हम आपके पर्सन को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, आपकी मेजॉरिटी प्रूफ करें, अब आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करिए। उसके बाद एक कंडीशन ये भी होगी कि छोटे छोटे से कुछ ग्रुप मिल गए, छोटे जैसे बीजेपी BSP मिल गई, SP मिल गई, आम आदमी पार्टी मिल गई, छोटे छोटे से ग्रुप मिले और उन्होंने कहा सर हमारे पास 275 से ज़्यादा सीट हैं, तो उनका कोई पर्सन बन जाएगा। तो मैटर ये है कि सिचुएशन किस तरीके की है। हंग असेंबली में जनरल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। अब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे सरकारिया कमीशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पुंछी कमीशन का नाम सुना होगा, तो वो उन कुछ रिकमेंडेशन हैं, ARC इसमें हैं, तो उनके रिकमेंडेशन के ऊपर प्रेसिडेंट साहब की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके अकॉर्डिंग वो उस पर काम करते हैं। ठीक है, हंग असेंबली के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट,